सर अमृत फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बताइए और जो आपकी जर्नी रही है 100 फिल्म की, अगर दो लाइनों में अगर उसको बयां करना चाहें। ओके, मैंने शुरुआत की थी 1991 में हिंदी फिल्मों से। आई वॉज अ जूनियर आर्टिस्ट लेकर मैंने फूल और कांटे, जीवन एक शतरंज, काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया था। अभी 1991 में तभी मैं एक्टर रह चुका हूँ। उसके बाद तुलू मुंकरी फिल्म में मैंने लीड किया, कैरेक्टर रोल्स, कन्नड़ा फिल्म में काफ़ी सारे करके अभी जाके 100 फिल्म एज एन एक्टर, फुल फ्लेज्ड एक्टर कर रहा हूँ मैं। एंड मेरी पिछले कई सालों से कुछ फिल्में ऐसी हैं जो जिसमें मुझे अवार्ड मिला है। एक्चुअली टू बी फ्रैंक हम तीनों अवार्ड विनर्स है। सो या सो आई हैव गॉट एन बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म, एस्थर इज द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अ कोंकणी फिल्म एंड विच इज नॉमिनेटेड फॉर तेलुगु फिल्म्स। निहाल को रिसेंटली उसको एक मिर्ची अवार्ड मिला है। सो वी आर ऑल अवार्ड विनर्स हो गया। सो तो हाँ, आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल्स इन कन्नडा। अभी मेरी शी सीजन 2 आ रही है नेटफ्लिक्स में, तो यहाँ भी काम किया मैंने, कोरिया भी मैं भी किया, तो कई सारे लैंग्वेज में भी काम किया है। जर्नी इज़ बिन वेरी फैंटास्टिक और बीचों बीच मैंने फिल्में डायरेक्ट की है, तो गैप लिया मैंने काफ़ी, पर 5 साल के बाद अभी फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। राजेश जी मिले, थैंक्स टू यू। सो एक सब्जेक्ट मैंने उनको डायरेक्ट किया, उनको पसंद आया, एक्चुअली इन्होंने अप्रूवल दिया, अश्मिता ने अप्रूवल दिया कि करेंगे। सो बैक टू डायरेक्शन विद दिस 100 फिल्म एज एन एक्टर। राजेश सर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या थॉट प्रोसेस था इस फिल्म के पीछे, और सर की 100 फिल्में बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, और उसी समय इस तरह की कहानी उनके पास लेके जाना और साथ में मिलके बनाना, और क्या कितना कोलैबोरेशन रहता है अश्मिता के साथ, किसी भी अगर कहानी की बात करें, क्या कोई डिस्कशन होती है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आप दोनों के बीच में? सबूत यही है कि आप अश्मिता को मेरे साथ देख रहे हो और मेरे सारे डिसीशन में वो साथ होती है। ये थॉट तभी आया जब पैंडमिक में हम जब लॉकडाउन लगा पैंडमिक में, और काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक लॉकडाउन था और हम लोग घर पे बस टीवी देख रहे थे। तब थॉट आया कि कुछ कंटेंट बनाया जाए। मेरा बैकग्राउंड है, मैं ZTV में काम कर चुका हूँ, तो थोड़ा क्रिएटिव साइड में था मेरा, और मैं काफ़ी फिल्में भी कोऑर्डिनेशन कर रहा था जब मैं दिल्ली में था। तो संदीप बनर्जी जी ये स्टोरी लेके आए तो बहुत अच्छा हमें लगा। मैंने जब सुना तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी इमोशनल लगा, तब मैंने दोनों बेटियों को बुलाया, अश्मिता अमीशा, फिर तो उन्होंने भी सुना, दे लिटरली दे लाइक द कॉन्सेप्ट एंड देन वी एग्री। उसी दिन हमने इमीडिएटली डिसाइड किया और फिल्म का हमने अनाउंस किया। उसके बाद कोलैबोरेशन ये रहता कि देखिए कई कंटेंट है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बट कई ऐसे कंटेंट हैं जो हम बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो मैंने सोचा कि बैनर ऐसे बनाया जाए जो दोनों बेटियों के नाम से हो। ऑब्वियसली द आइडिया इज़ टू मेक सम गुड कंटेंट जो फैमिली बैठ के देख सके। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो भी फिल्में बनाऊँ या जो भी आगे काम करूँ पूरी फैमिली बैठ के देख सके। सो ये मेरा प्लान था, और इसके लिए मैंने अपने बच्चों से भी डिस्कस किया, उनके नाम से बैनर बनाया, एक गाना बना चुका हूँ जिसे आप मिल चुके हैं मुझे, और आई एम ग्लैड दैट वी वर एबल टू मेक ए ब्यूटिफुल फिल्म। संदीप जी का कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा लगा, एंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, द एंटायर टीम इज रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा प्रोसेस था, एक फैमिली की तरह हमने काम किया, और काफ़ी अच्छा अनुभूति रहा है बनाने का। कैसे जुड़ना हुआ, कैसा लग रहा है? मैं संदीप जी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, हम लोग बेंगलोरियंस हैं, ये मैं, हम तीनों एक ही होम टाउन से हैं, तो पहचान तो थी। और जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं ऑलरेडी जानती थी कि ये इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और तो हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते थे, जनरली जानते थे। पर्सनली जानना तब हुआ जब हमने साथ में शकीला नाम की एक पैन इंडियन फिल्म में काम किया, तो उसमें मैं एक्ट कर रही थी और ये प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की तरफ से ये काम कर रहे थे, तो तब हमारी पहचान हुई। ज़्यादा पर्सनली जानने लगे एक दूसरे को, तब उनका पैशन मुझे पता चला कि सिनेमा, मतलब वो सिनेमा को काम समझ के नहीं करते, सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं, सिनेमा इंडस्ट्री से अपने काम से बहुत प्यार रख के वो इस इंडस्ट्री में हैं। तो जब आगे जाके जब हम, मेरी माँ का भी प्रोडक्शन है, हम कोंकणी फिल्म्स, गोवन फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हमारे होम प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्ट था तब हमने फिर से मिल के साथ में काम किया। फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट आया, और उससे पहले भी कोई भी उनको ऐसा प्रोजेक्ट मिलता था साउथ में जहाँ पे उनको लगता था कि मैं वहाँ पे ठीक बैठती हूँ, फिट होती हूँ, हमेशा वो मुझे कांटेक्ट करते थे और बोलते थे कि मुझे आपके साथ फिर से काम करना है, पर किसी न किसी वजह से नहीं हो रहा था वो। और फिर आया ये सब्जेक्ट,
और उन्होंने बोला इस बार तो आप मना कर ही नहीं सकते क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है और मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये करें। और जब मैंने ये सब्जेक्ट सुना तो मुझे रियली बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे उन्होंने ऑलरेडी बोला है ये कोई इट माइट नॉट बी अ कमर्शियल फिल्म, ये कोई ऐसी कमर्शियल टिकट बिकने वाले पैसा फेंकता एक मसाला फिल्म नहीं है, पर ये एक फैमिली वैल्यूज बेस्ड स्पेशली कोरोना जैसे टाइम के बाद ऐसी फिल्म बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है क्योंकि अब हमको पता चलता है कि रिश्ते की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, रिलेटिव्स हो या पेरेंट्स हो, बच्चे हो, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इंसान को इंसान की कितनी ज़रूरत होती है, ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर बनी फिल्म है ये। तो ये बहुत ही मुझे लगा बहुत सेंसिटिव सेंसिबल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अभी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जहाँ पे ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो। तो उस पॉइंट को मुझे कनेक्ट हुआ और मैंने बोला चलो करते हैं इस फिल्म को। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आपसे जानना चाहूँगा क्या कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ईजी या डिफिकल्ट लगा आपको? तो मैं इस फिल्म में मैं कैसे रहा ये बताऊँगा पहले। तो मैं बचपन से सिंगिंग ही कर रहा हूँ, वो छोटी कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई भी नहीं, मतलब वो भी नहीं आती कहीं से। तो जब हमको एक गाना गाने के लिए अप्रोच किया जाता है तो हमको ब्रीफ दिया जाता है कि ये गाने में एक्चुअली सिंग में क्या हो रहा है। तो मुझे संदीप सर का फ़ोन आया ना, तो मैं संदीप सर को पहले नहीं जानता था, तो मेरे रिलेटिव से जानता था वो, ऐसी बात नहीं जानता था। तो मुझे पता था उन्होंने बहुत सारे उसमें काम किए तो ये सब पता था, बट फिर भी मैं उस पर्सनली नहीं जानता। तो सर बोले कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है आपको, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। मैंने बोला हाँ ठीक है। अगर सर आ गए घर, मतलब 7:30 आने वाले थे, वो 7:15 को ही पहुँच गए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, बट उन्होंने अभी जब हम गाना एक गाना जब मुझे एक्सप्लेन अभी मैं सिंगर हूँ ऑब्वियसली मुझे गाना ही एक्सप्लेन करेंगे ना वो। तो मैं सुन रहा था ऐसे ये सब पूरा फिल्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा फिल्म तो मुझे मतलब हाँ मतलब ठीक है, मतलब मैं सुन सकता हूँ ऐसे, बट मैं पूरा फिल्म मुझे ब्रीफ नहीं चाहिए, बट ठीक है क्योंकि मैं सुन रहा था। हाँ ओके। तो सब मैंने पूरी कहानी सुनी, इसके बाद मैंने पूछा सर सब सही है बट मुझे यहाँ गाना कहाँ आ रहा है, कहाँ पर गाना है? बोला हाँ आपको एक्ट करना है। मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है अभी, लाइफ पूरी एक्टिंग नहीं गुजरते, मतलब ऐसे मतलब एक्टिंग तो ऐसे आती नहीं है। तो सर ने मुझे कन्विंस किया और मैं फाइनली प्रोजेक्ट करने के लिए मतलब मैं आ गया, मतलब इस प्रोजेक्ट में। तो ये अगर मैं फिल्म की बात करें तो ऐसे में ये फिल्म में आया था। गाना तो मैंने नहीं गाया इसमें अभी। मैं देखो सर अभी मेरे सामने दो बोर्ड्स हैं, एक है एक्टिंग एक है सिंगिंग। अब मैं दोनों के ऊपर पैर रखा तो मैं पानी में गिर जाऊंगा और मुझे स्विमिंग आती भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक्टिंग की है इसमें। तो अश्मिता आप बताइए कि कितना मतलब डिस्कशन होता है जब कोई भी स्क्रिप्ट आती है, जैसे संदीप सर बहुत ही एक्सपीरियंस है तो उन्होंने क्या आपको ऐसी चीज़ बताई जो आपने मतलब कामें भरी है फिल्म करने के लिए, और क्या कुछ डिस्कशन हुआ था संदीप सर के साथ स्पेशली? ये सब तो इट्स लाइक अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो ये जब पहली बार आए थे घर को तो मैं पापा ने मुझे और मेरी बहन को बुलाया, हमने अच्छा ऐसा बेड टाइम स्टोरी सुनने के जैसा सुन लिया पूरा मूवी, अच्छा लगा हमको स्टोरी। तो हमने बोला कि हाँ स्टार्टिंग से एंडिंग पार्ट भी हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने इनको बोला हाँ अच्छा है, बट ये एक्चुअली होने वाला है, एक्चुअली हमारे नाम से ही एक बैनर होगा, प्लस हम मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ, मेरी बहन भी एक्टिंग कर रही है, तो ऑल ऑफ दिस ये एक अच्छा एक्सपीरियंस बना। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। अब मैं आई एम वेटिंग जब आप सभी मूवी देख पाओगे और आपको कैसा अच्छा लगेगा कि नहीं, और आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा।